हाय फ्रेंड्स, मैं आज अपने आपको अपनी एप्लीकेशन खाता बुक के बारे में कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले आप खाता बुक को इंस्टॉल करें। डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर पर से आपने जस्ट खाता बुक आप यहाँ से खाता बुक को आप सर्च करेंगे। खाता बुक ये मेरी अब जैसे ड्रॉप करेंगे यहाँ से, ये खाता वो काफ़ी सामने आ जाएगी। आप इसे इंस्टॉल करें। ये आपकी इंस्टॉल हो जाती है। इंस्टॉल ओपन कर लें। ये इंस्टॉल होने स्टार्ट करते हैं, खाता बुक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जैसे आप स्टार्ट करेंगे, आपसे पहले फर्स्ट कंपनी की इंफॉर्मेशन लेगा। तो आप अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंटर कर दें। जैसे सपोज आपकी कोई कंपनी, उसका नाम है XYZ एंड को। आपने अपनी कंपनी का नाम डाला और नाम डालने की फौरन बाद आप ये करें कि इसका एड्रेस दें। एड्रेस आपका XABC हाउस नंबर जो है वो आपने दिया 22A/65 और आपने बनाया ABC@ आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो आपने यहाँ पे अपना एंटर किया .com। ये आपका सेव करवाया। सेव करते ही आपके सामने ये स्क्रीन शो हो जाएगी। स्क्रीन को आपने जैसे शो किया, वो आप अपनी फर्स्ट आप अपनी कस्टमर्स क्रिएट करेंगे, जो जो आपकी कंपनी के अंदर आप जिनसे आपकी जो है वो लेन देन होती है, या आप उनसे ट्रांजेक्शन जो भी करते हैं। तो आपके पास अली कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर है, जो भी XYZ आपने कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर डाला। ABC दूसरा कस्टमर बनाया आपने 1। ये मैं जस्ट आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अपने नाम रख सकते हैं, 9123054 3, जो भी नंबर है आप अपना हिसाब से। दूसरे अगर आप यहाँ से कोई कस्टमर आपसे गलती से कोई नाम चेंज हो गया तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट आप करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये अपडेट हो जाएगा। ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू अपडेट, यस ओके। ये आपके पास ये अपडेट हो गया। आपने दो एंट्रियाँ कर ली। अब इसके बाद आप आ जाते हो, आप देखोगे कि आपके पास ये ऑप्शंस भी हैं और आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं। आपने यहाँ सर्चिंग मैकेनिज्म में जितना भी आपके पास नाम होगा वो आपके पास सर्चिंग होगा। मैंने लिखा अली, सेलेक्ट किया, डेट सेलेक्ट की। डेट आपने बोला 12 तारीख की थी। 12 तारीख में आपने 5,000 रुपये की आपने उनको पेमेंट की, डेबिट करवाया, पेड टू मिस्टर अली। डेबिट किया। देन सेकंड वन आपने ABC2 को से पेमेंट आपने ली 6,000 रुपीज की, रिसीव्ड पेमेंट। ये आपके पास दो गई। अच्छा, अब आते हैं 13 तारीख को अली से जो है वो मेरे पास 600 रुपये आए, 600 रुपये आए, रिसीव किए मैंने और इसको मैंने आए वो क्रेडिट करवा दिए इसने एड टू। अच्छा, अब अगर आपको कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती, जैसे सपोज आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, तो आप इंग्लिश को अपनी लैंग्वेजेस में, मैंने ये 4 लैंग्वेजेस जो है वो रखी हुई हैं। अगर आपके पास हिंदी है तो आप हिंदी को भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको वो सारा हिंदी के अंदर ही
डिटेलिंग दे देगा। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ चीज़ें डिटेल चाह रहे हैं आप, आपने इसको डिटेल पे क्लिक किया कि आपको तमाम डिटेल जो जो आपने वर्किंग उनके साथ किए, अली के साथ जो भी आपने वर्किंग किए वो आपको सारा दिखा देगा कि 5,000 रुपये 12 तारीख को अली को दिए थे, 6,000 रुपये लिए, 600 रुपये लिए थे आप अली के ऊपर, सॉरी अली के ऊपर 4,400 रुपये। आपने इसे क्लिक किया, बंद किया। अब यही चीज़ आप सिंपली जो आपने ट्रांजेक्शन्स की, अगर आप चाहते हैं कि वो ट्रांजेक्शन आपकी यहाँ से भी हो, कस्टमर एड हो जाए, वो यहाँ से हो जाए, तो आप जस्ट सपोज एड टू कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कस्टमर का नाम आपने जो भी दिखा खोली और कॉन्टेक्ट नंबर आपने कुछ भी दे दिया, ये आपने 3 कस्टमर बना लिए। फिर आपने ट्रांजेक्शन में पर आए। अच्छा, आप ट्रांजेक्शन आप दोबारा से बताता हूँ, यहाँ डैशबोर्ड से भी आप ट्रांजेक्शन पे जा सकते हैं। आपने कोहली पे क्लिक किया, कोहली की 5 तारीख की पेमेंट आपने डाली कि आपने 5 तारीख को इससे कुछ पेमेंट आई आई थी आपके पास, 6,900 रुपये रिसीव किया आपने। और ये रिसीव, अब आप दोबारा से डिफॉल्ट में आएंगे तो ये आपको पूरा डिटेल दिखा देगा। अच्छा, इसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह करनी हो आपने, जो सपोज़ आपने अली पे क्लिक किया, अली की 12 तारीख की जो पेमेंट थी वो सेलेक्ट करवाई, आपके सामने आ गई। अब आपने कहा कि यार 600 गलती से आए, तो आपने डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे, ये आपसे पूछेगा डू यू वॉन्ट टू डिलीट, तो आप उसको डिलीट कर दें, नहीं तो कैंसिल करके वहीं से छोड़ दें, या एडिट करने तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। 600 की जगह उसने आपको गलती हो गई, 550 रुपये दिए थे, तो आपने 550 रुपये की, 550 पूरी चेंजेस हो जाएगी। अच्छा, अब आप जाते हैं इसके पर, एक और ऑप्शन है, वो है मल्टीपल कंपनीज ऐड करने का। आपने मल्टीपल कंपनीज को सेलेक्ट किया, एक और कंपनी इसके अंदर डाल दी आपने, डाल दी UFO प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, आपने UFO प्राइवेट लिमिटेड इसमें ऐड करवाई। अब देखें आपके पास मल्टीपल कंपनीज का ऑप्शन आ जाएगा, XNY एंड UFO प्राइवेट लिमिटेड। अभी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपने ऐड करवाई तो UFO हो गई, तो आप UFO को दोबारा से यहाँ से चेक करेंगे, आपके पास UFO की कोई कंपनी बनी हुई है तो ये मना कर दे, अभी है नहीं, तो आप नहीं ऐड करवाएं UFO में, UFO 1 एंड UFO 2, आपने 2 कंपनीज इसके अंदर ऐड कर ली। सेकंड वन आप एक और कर लेते हैं, UFO 3 भी कर लेते हैं, UFO 3 भी आप इसमें ऐड कर लें, ये UFO 3 भी ऐड हो गई। अब इसकी आप ट्रांजेक्शन करें, यहाँ से आके यहाँ पे आपने UFO को 4 तारीख को पेमेंट की 15,000 रुपीज़ की, तो ये आपकी पेड टू UFO 1, आपने UFO 1 को ये पेमेंट कर दी, ऐड किया। UFO 2 को आपने 13 तारीख को आपने 50,000 UFO से लिए, आपने रिसीव्ड किए। अभी आपके पास UFO 3 है, UFO 3 से भी आपने ले लिए, 11 तारीख को वसूली हुई आपकी, ये आपने दिए UFO को 2,000 रुपये, ये 20,000 रुपये आपने दिए, आपने पेड करवाए UFO, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास, अब आप आएंगे आपको डैशबोर्ड में दिखेगा कि आपकी UFOs की, ये जो आपकी कंपनी UFO प्राइवेट लिमिटेड है, ये उसका हिसाब किताब है और XYZ का ये हिसाब किताब है। आपको आपकी मल्टीपल कंपनीज, या सिंगल रखना चाहे सिंगल और मल्टीपल रखना चाहे मल्टीपल कंपनीज को, आप यहाँ पर बआसानी देख सकते हैं। अच्छा, अब आप आ जाते हैं, मैं इसको दोबारा से इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ और मैं दोबारा से आता हूँ। यहाँ रिपोर्ट पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे 3-4 रिपोर्ट मिल जाएंगी। अगर मैं दोबारा से, आप देखें इस कंपनी मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया तो ये रिपोर्ट भी सब हिंदी के अंदर चली जाएंगी, जो जिस लैंग्वेज में आप सूटेबल हो वो आप आराम से यहाँ से
एडिट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको आप अलाउ करेंगे तो ये आपको बैकअप देगा। आप इसकी पीडीएफ भी जनरेट करके किसी को सेंड करना चाहें सेंड कर सकते हैं। मैंने जन को जो है वो सेंड की। ये अब सारी चीज़ें आपके सामने, या आपके पास पीडीएफ रिपोर्ट आपकी सेव हो सेंड हो चुकी है। दूसरी, आप एक और रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, पार्टी वाइज आपकी रिपोर्ट है। आपने सिर्फ अली की रिपोर्ट चेक करनी है, अली से आपकी क्या 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 ट्रांजेक्शन हुई है और किस किस टाइम हुई है। फ्रॉम टू टू आप डाल के उसको ओके करेंगे तो ये आपके पास सारी चीज़ें शो कर देगा आपको। आपने ये, इसको भी अगर ईमेल चाहिए तो आप, व्हाट्सएप चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ऑल कंपनीज की डिटेल, अभी तक क्या क्या पेमेंटें हुई हैं, तो ये ऑल कंपनीज को आपको शो करवा देगा। करंट डेट के अंदर कितना उनके ऊपर उधार चढ़ा हुआ है, या हमारा उधार हमारे ऊपर उधार चढ़ा हुआ है, तो आप आराम से इसके अंदर जो आपका बही खाता है वो इधर ऐड कर सकते हैं। इसको अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं मल्टीपल, या आप अपने आप को भेजना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इजीली जो है वो मल्टीपल कंपनीज का रिकॉर्ड आप अपना देख सकते हैं। बहुत इजी काम है आपका, आपकी मल्टीपल कंपनीज का इसमें हिसाब किताब हो सकता है। सेकंड वन ये है कि अब मैं इसी के अंदर से रहते हुए इसका एक बैकअप मैकेनिज्म है। आप अपनी फाइल का बैकअप कर सकते हैं, जितने आप बैकअप बनाएंगे वो आपके बैकअप बना देगा। आप जब भी इसको रिस्टोर करना चाहें अपने पुराना हिसाब किताब, तो आप अपना पुराना रिस्टोर कर सकते हैं। अब मैं इधर आता हूँ दोबारा से, मैं एक और लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ, उसका नाम है उर्दू, क्योंकि उर्दू भी इस लैंग्वेज है जो आप इसको आराम से यहाँ से देख सकते हैं आपके सामने सारी उर्दू के अंदर। और एक है सिंधी, क्योंकि हमारे जो कंट्रीज के अंदर सिंधी भाई बहुत हैं जो बिजनेसमैन है और अच्छी बड़ी तादाद के अंदर, तो ये उनके लिए भी बहुत इजी है कि अब अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर अगर कहीं पे गलती या कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आती, तो आप मुझे फील्ड वेरी जो है वो आपसे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट आपके सामने आ जाएगा। अब जस्ट आप यहाँ से क्लिक करेंगे और मेरा कॉन्टैक्ट यहाँ पर आ जाएगा। आप कॉल कर सकते हैं मुझे डायरेक्ट, आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं, या मुझे आप व्हाट्सएप भी सेंड कर सकते हैं। जस्ट अब आपने, और अगर आपने अपने पासवर्ड रखना है तो आप पिन कोड लगा सकते हैं। मैंने ये पिन कोड आप सेट करेंगे, ये पिन कोड लगा आप अपना सीक्रेट कोड दे सकते हैं, व्हाट इज योर पेट नेम। आपने अपने कोई भी आंसर क्वेश्चन में आप सेट कर सकते हैं। इसका नाम आपने रखा मतलब मानो आपके पेट का नाम आपने इसमें डाल दिया। हिंट देना है आपने तो आप हिंट भी रख सकते हैं, और कॉन्टेक्ट नंबर 281 ये आपके सामने। भी आपकी डिसेबल करना चाहें डिसेबल, और पिन को बाहर आते हैं दोबारा चेक करते हैं। अब आपसे भूल चुक हो गई है, फॉरगेट में जाएंगे, फॉरगेट में आपने लिखा मानो, ओके किया। ये आपको पासवर्ड बता दिए जो आप भूल गए थे, आपने पासवर्ड डाला अपना। डिसेबल करना चाहते हैं यहीं से दोबारा से आप आएंगे, ये डिसेबल भी कर देगा आपको। आप किसी और को अपनी एप्लीकेशन नहीं दिखाना चाहते, आप ना दिखाएं, आप अपना पिन कोड लॉक बना लें तो वो आपके पास सेफ रहेगी। इसके अलावा आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऊपर काम कर सकते हैं, बहुत बहुत इजी है, मतलब आपको कोई इसमें परेशानी नहीं होगी, और आप अपनी मल्टीपल कंपनीज का रिकॉर्ड इसमें सेव कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया,
और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरी वीडियो के ऊपर भी और मेरी एप्लीकेशन के अंदर से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो भी मुझे मैं आपको फ़ौरन जवाब दे दूँगा।